जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हैमस्टर के टोकन हम सेल करेंगे। वो आपके बेनांस में है, बायबिट में है या ओकेएक्स में है, जहां पे भी बड़े हैं। ये तीनों तरीके आपको यहां पे बताने वाला हूं। काफी मैसेज आ रहे थे कि बताया जाए कि हम हैमस्टर टोकन कैसे सेल आउट कर सकते हैं, ओकेएक्स, बायबिट या बेनांस। तो बहुत ज्यादा मेरे टीम के मैसेज आने की वजह से मैं अब आपको वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप अपने हैमस्टर टोकन कैसे सेल आउट कर सकते हैं। इनके और भी कुछ वजूहत है जिन्होंने अपना वैलेट का जो है वो लगाया हुआ था, एड्रेस के वैलेट में हमें जो है रिसीव हो, तो उनको अभी रिसीव तो हो गए हैं लेकिन वो वैलेट से किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। मसलन आपको टेलीग्राम के वैलेट के अंदर रिसीव तो हो गए हैं, इनको आप जो है किसी एक्सचेंज मसलन बिनांस, बायबिट, ओकेएक्स के अंदर विड्रा नहीं कर सकते। अभी आपको जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर वैलेट से आप जाके चेक करें तो वहां पे आपको डेट शो करवाएंगे 27/25 है, दो दिन के बाद भी आप जो है यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे मैं हैमस्टर टोकन मैंने तो बायबिट का लगाया हुआ था एड्रेस, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए। अब तक मैं वेट करता रहा कि मेरे टोकन यहाँ पे आ जाए तो मैं फिर जो है वीडियो बनाऊ, बट बायबिट वालों को अभी रिसीव नहीं हुए। अगर लेट हो रहा है तो आपको इसके साथ फिर कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलेगा जैसे डोग ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास जब हैमस्टर टोकन HMSTR टोकन जब आपको मिलेंगे तो इनको आपने सेल आउट कैसे करना है। सबसे पहले क्योंकि मेरा अकाउंट बायबिट का है तो आपने बायबिट में आ जाना है। बायबिट में आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्सचेंज और यहाँ पे वेब 3 ये लाजमी चेक कर लेना, एक्सचेंज में आपने रहना है। जब आप एक्सचेंज में आएंगे यहाँ पे नीचे एसेट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा हैमस्टर का वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको आपने क्या करना है, स्पॉट में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर यहाँ पे ऊपर ट्रांसफर का बटन नजर आ रहा है, किसी और अगर आपको वैलेट में शो हो रहा है तो वहां से आपने ट्रांसफर कर देना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सीखने की जरूरत है। ऊपर फंडिंग है, फंडिंग को आप जो है यहाँ से, बल्कि फंडिंग नहीं, वो आपके जो जहां भी पड़े होंगे ना वो आपको शो हो जाएंगे। पहले तो आपको ये स्पॉट में ही रिसीव होंगे। जब स्पॉट में आप लेके आ जाएंगे, अगर यहाँ पे स्पॉट में नहीं आते आपके टोकन तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफर पे जाके फिर आपने स्पॉट में ट्रांसफर जो है कर लेने हैं। जब आपको यहाँ पे स्पॉट में आपके टोकन मिल जाते हैं फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको डॉग नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर डॉग और USDT का जो पेयर बना हुआ है यहाँ पे आना है। यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आपने लिख देना है HMSTR, ठीक है। हैमस्टर यहाँ पे आ जाएगा पेयर बन के USDT का, यहाँ पे आपने जो है क्लिक कर देना। जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्राइस आपके सामने जो है इस टाइम जो रन हो रही है तो एक्सचेंज के ऊपर, ये इसकी प्राइस देखें। फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे लिमिट, पहले लिमिट सिलेक्ट होगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपने जो है मार्केट सिलेक्ट कर देना। जो ही मार्केट सिलेक्ट करेंगे फिर इस पट्टी को आपने जितने भी आपके पास हैमस्टर होंगे, आप 10% सेल करना चाहते हैं, 25, 35, 40, 45, 50 या जितना आप करना चाहते हैं 100, तो मैं इनको 100 पूरे जो है सेल करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे करना सेल के ऊपर जो है क्लिक कर, जो सेल पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर जो है लग जाएगा। उसी टाइम जितने भी आपके डॉलर बनेंगे वो आपको यहाँ पे एसेट के अंदर जो है शो हो जाएंगे। ये हो गया बायबिट का तरीका। अब आते हैं बिनांस के ऊपर। जिन लोगों ने अपना एड्रेस जो बिनांस का लगाया हुआ था वो बिनांस में कैसे जो है विड्रा करेंगे, विड्रा तो उनको मिल गया, यहाँ पे वो अपने जो है ट्रेड कैसे लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप वैलेट के अंदर जो है आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके टोकन जो है कहाँ पे पड़े हुए हैं, स्पॉट में या फंडिंग में। जैसे मेरे पास ये देखें $73 के टोन पड़े हुए हैं, डॉग पड़े हुए हैं $61 के, कैटी मैंने सेल कर दिया, नॉट क्वीन भी मैंने सेल कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 पड़े हुए हैं, ठीक है। स्पॉट के अंदर फंडिंग में देखते हैं तो फंडिंग में मेरे पास जो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे ट्रेड होगी आपकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आपने देख लेना है कि आपके टोकन अगर फंडिंग में पड़े हैं तो स्पॉट में करेंगे, किसी और जगह अगर अर्न वाले टास्क में, सपोज करें यहाँ पे पड़े हुए हैं अर्न वाले टास्क में, तो जैसे यहाँ पे आपके USDT जो है कभी कभी आ जाते हैं TRC20 जब आप सिलेक्ट करके भिजवाते हैं या भेजते हैं, तो यहाँ पे USDT पे क्लिक करना है, फ्लेक्सिबल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन मिलता है। जो ही आप रिडीम करते हैं तो अर्न वाले टास्क से हटके फंडिंग में या सपोर्ट में आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ऊपर मुझे टोन और USDT का पेयर जो है वो नजर आ रहा है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, और व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा,
उसमें जस्ट ज्वाइन भी नहीं करना, उसमें एक्टिव भी रहना है, आपके फायदे की चीजें वहां पे शेयर होती हैं। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद टोन को हमने हटा के यहाँ पे लिख देना है हैमस्टर, HMSTR, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा HMSTR, तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, स्पोर्ट मेरे ख्याल में ओपन है। यहाँ पे जो है यहाँ पे देखते हैं हैमस्टर ही था, लेकिन यहाँ पे जो है शो नहीं हो रहा। चले बहरहाल जो है यहाँ पे आपने सर्च करना है, आपको जो है यहाँ पे शो करवा देगा। तो यहाँ पे जो है आप लिखें हैमस्टर, यहाँ पे भी शो नहीं करवा रहा। चले बहरहाल यहाँ पे आपने जो है ट्रेड में आके यहाँ पे जो है आपने ऊपर हैमस्टर जो है सर्च करना है, और यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, वही सेम सूरत हाल जैसे यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे मार्केट करना है, यहाँ पे जितना भी आपने जो है सेल करने हैं वो पट्टी पूरी जो है, अगर पूरी खींचना चाहे तो पूरे आप जो है सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी USPD जितने भी बनेंगे वो शो हो जाएंगे। फिर जब आप जो है सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तो बाय का ऑप्शन है, सॉरी ये सेल का ऑप्शन है। यहाँ पे मार्जिन सेल के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो वो सारे आपके जो है हैमस्टर की क्वांटिटी जो है वो आपको उनका जो USPD बनेगा वो आपके वैलेट में यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा। इसके बाद बात आती है जी OKX की। OKX के अंदर भी सेम ऐसी ही चीज़ है, यहाँ पे एसेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। एसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो फंड होगा वो आपको शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए आइस मुझे शो हो रहे हैं $131 के, सेट्स पड़े हुए हैं $2 के, USPT 1 पड़ा हुआ है, अवाइव जो है यहाँ पे 15 अवाइव पड़े हुए हैं, मतलब कोई उनकी वैल्यू नहीं है अभी। तो यहाँ पे जो है बस इसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है, वही सेम सूरत हाल यहाँ पे जैसे आइस सिलेक्ट है तो आपने यहाँ पे लिख देना है हैमस्टर। ये आ गया हैमस्टर का पेयर यहाँ पे बन के। सेल के ऊपर आपने ऊपर क्लिक करना है, लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके मार्केट ऑर्डर करना है। यहाँ पे कितने हैमस्टर जो है आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे अमाउंट अगर लिखना चाहें ठीक है, नहीं तो ये पट्टी जो है इसको खींच के कंप्लीट कर देना। सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टोटल USPD जितने भी बनेंगे वो आपके वैलेट के अंदर जो है ऐड हो जाएंगे। जो ये ऐड होंगे फिर आप ये USPD जो है सेल आउट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं ग्रुप के अंदर एक मैसेज जो है छोड़ दूंगा, एक नंबर भी शेयर कर दूंगा, आपने वो ट्रस्टेड होंगे, वहाँ पर जो भी मार्केट का रेट होगा तो वो आपने अपने USPD जो है उनको सेल करना है। इजी पैसा जैस कैश जो आपने पेमेंट ले लेनी है, ऐसा आपने जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि P2P अगर आप करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। एक तो आपके डॉलर भी नहीं आएंगे, आपको वो भी लॉस हो जाएंगे, एक दूसरा आपका अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे टेलनार बैंक के और या तो जैस कैश या तो जैस कैश की जो बैंक होती है वहाँ पे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो चीज़ें आपको बताई अमल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा।